हेलो स्टूडेंट, आई एम बिपिन सिंह एंड यू वाचिंग द वीडियो बिपिन सिंह वाई फाई स्टडी चैनल्स ऑन यूट्यूब। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास नाइन्थ के सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का जो हिस्ट्री बुक है, उसी को हम आज से जितने भी चैप्टर्स उसको हम क्लियर करने वाले। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास नाइन्थ के जो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, उसको हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर का टाइटल है द फ्रांस रिवोल्यूशन। ओके, फ्रांस रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि फ्रांस में क्रांति या फ्रांस की क्रांति कब हुई, क्यों हुई या कैसे हुई, इस चीज़ का कंक्लूजन क्या निकला, इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ओके, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई किस प्रकार से हुई, इसी को हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को पता है कि जो क्लास एट्थ में आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया गया है, उसमें हम लोग केवल बेसिक चीज़ें जाने हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स या किस प्रकार के यहाँ पे लॉ हैं, क्या रूल्स बनाए गए हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो आपके एशिया कॉन्टिनेंट से एक अदर कॉन्टिनेंट जो आपके हैं, जैसे आपके यूरोप हैं, अमेरिका हैं, इन सब कंट्रीज या कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पर आप पढ़ेंगे, समझिएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी। कह रहा कि 14 जुलाई की सुबह 1789 में, ओके, इस डेट आपको याद रखना है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस फ्रांस की कैपिटल। ओके, इसको थोड़ा आप लोग लर्न रखिएगा एज अ लाइक जो कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए। ओके, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, तो वहाँ पे पहली अलार्म बजी, यानी सुबह की, यानी फ्रीडम हुआ उसी डेट को, 14 जुलाई 1789 को। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स। ट्रूप्स मतलब क्या होता है, जो सैनिक होते हैं उन लोगों का जो झुंड होता है उसी को हम ट्रूप्स कहते हैं। जैसे आप इंडिया में क्या कहते हो, आर्मी जो होती है उसी को हम आज जो आपके यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ट्रूप्स कहा जाता है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, सिटी में मूव किया। र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी, सुबह को कि जितने भी वहाँ पे ट्रूप्स हैं उन लोगों को आर्डर दे दिया गया है कि ओपन फायर करें लोगों पे, जितने भी नागरिक हैं फ्रांस में या पेरिस में, जितने भी नागरिक हैं उन लोगों पे ओपन फायर किया जाए, यानी गोली मारा जाए सबको। ये र्यूमर्स फैला गया, र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह फैला गया। ओके, सम 7000 मेन एंड वुमेन गेदर इन टू फ्रंट ऑफ ए टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपुल्स मिलिशिया। और उसी वजह से या उसी रीजन से 7000 लोग, उसमें मेन एंड वुमेन भी थे, सभी लोग एक टाउन हॉल के सामने क्या हुए, गेदर हो गए। गेदर मतलब इकट्ठा हो गए, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मिलिशिया के खिलाफ अपना विद्रोह करेंगे या रिबेल करेंगे। मिलिशिया मतलब वही जो ट्रूप्स थे या जो गवर्नमेंट उस टाइम थी वहाँ पे। ओके, दे ब्रोक इन टू ए मेम्बर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने सबसे पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी गवर्नमेंट की, उसको उन्होंने ब्रोक कर दिया, मतलब तोड़ दिया, एंड जितने भी वहाँ पे हथियार थे, आर्म्स मतलब होता हथियार, जितने हथियार थे उस चीज़ को लोग खोजने लगे। ओके, एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझिएगा, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टूवर्ड्स ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्स इन द 14 प्रिजन्स एंड द बस्टाइज वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड यूमिनेशंस इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर्स ऑफ द बेस्टाइल्स वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज। देखिए, लास्ट में फाइनली क्या होता है, जब लोग उस बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, उसके बाद से वहाँ पे हंड्रेड जो लोग थे उन्होंने मार्च निकाला ईस्टर्न पार्ट के सिटी में। ओके, यानी पेरिस के सिटी में, एंड फोर्टेस प्रिजन, और जो प्रिजन यानी जो जेल था उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद हुआ क्या कि जितने वहाँ पे प्रिजनर्स थे उन लोगों को वहाँ से रिलीज कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया, और जो बस्टाइल थे उन लोगों को मार दिया। बस्टाइल मतलब क्या, जो गवर्नमेंट के जो सिपाही थे या जो पुलिस थे उनको उन लोगों ने मार दिया, और वहाँ पे जितने प्रिजनर्स थे उसको निकाल लिया गया उस जेल से, यानी प्रिजन से। ओके, थ्रू देयर वर ओनली 7 ऑफ देम एट द बस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल। केवल 7 ही ऐसे जो लोग थे जिन्होंने लोगों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हेट करते थे, मतलब नफरत करते थे या उन लोगों से घृणा करते थे। बिकॉज कारण क्या था, इट स्टूड फॉर द डिस्पाइट पावर ऑफ द किंग। उन लोगों का रीजन यही था कि उन लोगों पे पावर जो मिला हुआ था वो किंग से मिला हुआ था, मतलब जो फ्रांस में उस टाइम किंग था। द फोर्टेस वॉज
demolished and stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep survivor of the destruction. क्योंकि रीजन ये था कि जो फोर्टेस मतलब जो किला से जो बड़े बड़े स्टोन्स पाए गए थे, स्टोन मतलब जो पत्थर होते थे, उन लोगों ने क्या करते थे उस चीज़ को बेचते थे मार्केट में ले जाकर. ओके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे समझिएगा. द डे दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड. इसके बाद वो दिन हुआ क्या, उस दिन पूरे जो लोग थे पेरिस में उन लोगों ने क्या किया, जो रिच पीपुल थे उन लोगों के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारे रिबेल किए मतलब विद्रोह किए और जो राइट किए. राइटिंग क्या होता समझी गए, राइटिंग मतलब विद्रोह करना. ओके जिसको हम रिबेलियन भी कहते हैं, जो रिबेलियन विद्रोही होते हैं. ओके और जो कंट्री साइड था, कंट्री साइड का मतलब क्या होता था थोड़ा समझिएगा इसको. कंट्री साइड का मतलब होता है जो गाँव या देहात के इलाके हैं उसको हम कहते हैं कंट्री साइड. ओके तो उधर भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा राइटिंग किया मतलब विद्रोह किया. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई की जगह आप लोग जो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. ओके यानी जो सबसे अधिक लोग इसलिए हेट करते थे उस गवर्नमेंट से कि जो ब्रेड का प्राइस था उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा राइज कर दिया मतलब बढ़ा दिया था, महंगा ब्रेड बेच रहे थे लोगों के. मच लेटर वेन हिस्टोरियंस लुकड बैक अपॉन द टाइम, अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखें कुछ समय पहले की, यानी आपको 17 के मिडिल सेंचुरी में, ओके सॉरी 18 के मिडिल सेंचुरी में, तो हम लोग ये चीज़ दिखाई देता है कि जो जो भी इवेंट्स हुआ था उस टाइम. ओके देस इट वाज द बिगिनिंग ए चैन ऑफ इवेंट्स ऑफ द अल्टीमेटली लीड टू द एक्सेस्टन ऑफ द किंग इन फ्रांस, कि जितने भी वहाँ पे लीड या जो भी काम होता था, जितने राइट्स थे वो केवल जो फ्रांस का जो किंग था उसी के पास हुआ करता था. थ्रू मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेटेड ऑफ द आउटकम हाउ डूड एंड वाई इन दिस हैपेन, और बहुत से जो लोग थे उसके खिलाफ अगेंस्ट विद्रोह किए रिबेल किए फ्रांस में या किंग के अकॉर्डिंग में, तो उसका क्या रीजन्स हुआ. नीचे एक क्वेश्चन दिया इसको थोड़ा समझिएगा, करा कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपेन, ये क्यों हुआ या किस चीज़ के लिए हुआ, केवल एक ब्रेड के लिए तो हुआ नहीं होगा. तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके तो ये थी छोटी सी इसका इंट्रोडक्शन जो चैप्टर फर्स्ट फ्रांस रिवॉल्यूशन. ओके तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट सेकंड में आपको मैं बताने वाला हूँ. ओके यानी फ्रांस का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, कब हुआ, कब हुआ आपको बता दिए हैं 1789 को, या क्या उसके रीजन्स थे, कंक्लूजन क्या निकलते हैं उसी को हम लोग देखेंगे. ओके आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, एंड जो मेरे चैनल बीपीन सिंह वाईफाई स्टडी है उसको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके बाय डियर स्टूडेंट्स.